आज का वीडियो हमारा है उन कैंडिडेट्स के लिए जो बार बार आइल्स का एग्ज़ाम देके पक चुके हैं, मैं थक चुके भी नहीं कहूँगी, पक चुके, क्योंकि वो यहाँ तक आइल्स की हर मॉड्यूल की प्रेपरेशन करके भर चुके हैं। और वो लोग काफ़ी उनमें से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, नॉट ओनली प्रेपरेशन, वो एग्ज़ाम भी दे चुके हैं और उनका स्कोर एज इट इज़ सेम ही रह रहा है। मैं उन कैंडिडेट्स को बोलूँगी कि आप डिसहार्टन मत होइए, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, इसको लेके पहले तो आप सब अपना थोड़ा ईज में प्रेपरेशन करें। अगर आप इसको हवा बना के चलेंगे कि पता नहीं क्या है ये एग्ज़ाम और इसके बिना हमारा क्या होगा, फिर उस तरह से आपकी परफॉर्मेंस ही डिक्रीज होती है। आप क्या करते हैं, जैसे ही आप एग्ज़ाम में गए, चाहे आप अच्छा प्रिपेयर करके गए, आपने वहाँ जाके स्ट्रेस ले लिया कि मेरा स्कोर नहीं आता, मुझे लिसनिंग में प्रॉब्लम आती है, मुझे रीडिंग में इशू है, या पता नहीं क्या आएगा आज एग्ज़ाम में, मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली प्रेशर ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स बाहर चले गए, उनके बैंड आ गए। जब इस तरह के प्रेशर लेके आप एग्ज़ाम में जाते हैं गाइस, क्योंकि ये सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट है, इसका कोई सिलेबस तो है नहीं कि आप क्रैमिंग करके गए थे, तो आप क्या करते हैं जब एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस इतना प्रेशर ले लेते हैं, तो जब आप परफॉर्म करते हैं, चाहे ये लैंग्वेज टेस्ट, आप क्या करते हैं, सोच कुछ और है, कर कुछ और है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, उससे क्या होता है, बैंड स्कोर तो आता है लेकिन अगेन सेम। फिर लोग कहते हैं कि हमारा 5.5 या 5 ही क्यों है स्कोर, किसी का लिसनिंग में यही स्कोर है, किसी का रीडिंग, किसी का राइटिंग, किसी का स्पीकिंग। रीज़न सिर्फ ये है कि आप राइट प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपको राइट एडवाइस नहीं मिल रही, आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही। हो सकता है कि आप अपनी मिस्टेक्स को ही रिपीट किए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सेम सेंटर में 6 to 9 months लगा देते हैं और कुछ स्टूडेंट हैं वो 3 to 6 months। अगर आप सेम सेंटर में 6 से 8 महीने लगा रहे हैं, तो गाइज हो सकता है आप सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी सेंटर को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, हर सेंटर को पता है आइल्स एग्ज़ाम क्या है, उसमें क्या पढ़ाना है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको मेरी एडवाइस रहती है, चेंज योर सेंटर। सेंटर बदल के चाहे आप दूसरे सेंटर ना जाएं, सेल्फ स्टडीज करें। आइल्स में देखिए आपको क्या जानना है कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, असेसमेंट कैसे होती है, इसका फॉर्मेट क्या है, वो आपको आपके सेंटर में फर्स्ट मंथ में ही पता चल जाता है। उसके बाद तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है। अगर कोई 6 से 8 महीने ऑलरेडी कर चुका है इस पर स्पेंड और एग्ज़ाम भी दे चुका है 3-4 बार, उस कैंडिडेट को चाहिए कि वो अपने घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करे 1 month, उसके बाद रीटेक, ही और शी शुड रीटेक द एग्ज़ाम। आप खुद से देखना आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से यहाँ चली गई, क्योंकि इसमें आपको क्रैमिंग की कोई नीड नहीं थी, बस अंडरस्टैंडिंग थी। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप खुद से खुद को असेस कर रहे हैं, तो यू नो वेयर यू लैक। जो कैंडिडेट 3 से 4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं या 6 से 7 महीने या 3 से 4 मंथ की प्रेपरेशन कर चुके हैं, उनको मेरी ये एडवाइस रहेगी कि वो ब्रेक लें, टेक अ ब्रेक फ्रॉम आइल्स, घूमने जाइए, मूवीज़ देखिए, ज़रूरी नहीं इंग्लिश ही, एनी, वॉच मैचेस, वॉच मूवीज़, इंजॉय विद योर फ्रेंड, टेक अ ब्रेक फ्रॉम आइल्स, नो स्ट्रेस ऑफ टेकिंग आइल्स एग्ज़ाम। उसके बाद आप उस ब्रेक के बाद जब एग्ज़ाम देंगे, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही होके आएगी। तो बार बार आइल्स रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं, ब्रेक लेके आइल्स दें। जिनकी प्रेपरेशन प्रॉपर नहीं, वो अपनी प्रेपरेशन में चेंजेस लाएं, चाहे सेंटर बदलें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, अपनी परफॉर्मेंस को खुद से असेस करें। आई होप इस वीडियो से मैंने उन कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया होगा जो आइल्स बार बार दे के बहुत ही डीमोटिवेटेड हैं और डिसहार्टन भी हैं। गाइस चीयर अप, टेक एग्ज़ाम अगेन विद पॉजिटिव स्पिरिट एंड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। थैंक यू एवरीवन।